नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती के बारे में रिव्यू देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप ना सबसे पहले ये वाला वीडियो जाकर देखो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने इसमें बताया है कि फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेन वीडियो। तो देखो, नेम है कॉलेज का गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती। उसके बाद इसका जो स्थापना हुआ था वो 1996 में हुआ था। एफिलिएटेड है ये संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी। नैक का ग्रेड है इस कॉलेज का B++, जो कि बहुत अच्छा ग्रेड है। और इनटेक है 60 स्टूडेंट्स का। और इसमें कोर्सेस हैं बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, फार्मा डी और PhD। उसके बाद ये कॉलेज का आप देख सकते हो एड्रेस है, हाउ टू रीच कॉलेज। सबसे पहले इसका एड्रेस देख लो, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी कथोरा नाका अमरावती 444604। फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एंड वेबसाइट। तो अब आता है सबसे मेन, इसका कट ऑफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले होम यूनिवर्सिटी वालों के लिए है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 97.92% के ऊपर चाहिए। SC के लिए 96.69, ST के लिए 93.15। उसके बाद NT, NT2, NT3, OBC, ओपन। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पर देख लो, अदर देन होम यूनिवर्सिटी वालों के लिए जनरल ओपन कैटेगरी। सो यहाँ पर देख लो 98.67% के ऊपर। सो एक कैप वन का हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। उसके बाद कैप टू का देख सकते हो, तो कैप टू में भी 97.72% के ऊपर होम यूनिवर्सिटी वालों के लिए। और अदर देन होम यूनिवर्सिटी वालों का देख सकते हो 97.90। ये जो कट ऑफ है वो हर साल बढ़ते रहता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, शिफ्ट के अकॉर्डिंग बढ़ते रहता है। तो आप इसे रेफरेंस समझ के चलो कि इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। कट ऑफ से ज़्यादा ही रहेगा, इससे कम नहीं आएगा। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, एक कट ऑफ दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में देखना इसे। ये फर्स्ट कैप वन का है और एक कैप टू का कट ऑफ। उसके बाद यहाँ पर फीस देखो, बी फार्मेसी का 24,375 रुपया जनरल ओपन कैटेगरी का फीस है। और अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से हो, SC ST, OBC, VJT, NT, कोई भी कैटेगरी से आते हो रिजर्व से, तो आपका फीस और कम हो जाएगा। लेकिन जो जनरल ओपन कैटेगरी का फीस है एक साल का, वो है 24,000। एक कॉलेज की वेबसाइट पर दिया है परफेक्ट अमाउंट। उसके बाद फार्मा डी का देख सकते हो, एम फार्मा का देख सकते हो। तो हॉस्टल की बात की जाए तो अनफॉर्चुनेटली इस कॉलेज में हॉस्टल नहीं है खुद का कैंपस में, आपको बाहर प्राइवेट हॉस्टल रेंट करना पड़ेगा। सो ये एक इसका निगेटिव पॉइंट है। अभी तक हमने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी करार देखा है जिसमें हॉस्टल था कैंपस में, लेकिन इसमें हॉस्टल नहीं है। उसके बाद प्लेसमेंट की बात की जाए तो प्लेसमेंट के मामले में ना ये अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी करार से अच्छा है। क्योंकि देखो, इसमें 2 साल का डेटा दिया है कॉलेज की वेबसाइट पर रिसेंट का, जनवरी 2018 का और मार्च 2019 का, यानी कि 2018 और 19 का डेटा दिया है। तो 2018 में देखो, इस कॉलेज से ना 14 स्टूडेंट्स TCS मुंबई में सिलेक्ट हुए थे, और 2019 में 7 स्टूडेंट्स हुए थे TCS मुंबई में सिलेक्ट। तो प्लेसमेंट के मामले में थोड़ा ये अच्छा है कॉलेज। तो बस यही था आज का वीडियो। आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको कॉलेज और आगे कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अपने डाउट पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए। थैंक यू गाइस।